स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर रसप्रीत कौर हेयर तो हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस तो पहले हम टॉपिक करने जा रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू अ प्रोस्पेक्टस कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो so, सबसे पहली चीज़ है डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट जो प्रोस्पेक्टस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, सिक्स प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए उसके ऊपर डेट मेंशन करनी जरूरी है केस अगर आप डेट मेंशन नहीं करते तो कौन सी डेट मानी जाएगी एज द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट जिस डेट को आपने पब्लिश करा है प्रोस्पेक्टस फिर वो डेट मानी जाएगी ठीक है दूसरी चीज होती है इंपॉर्टेंट चीज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी सबसे पहले इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं वो देखेंगे सेक्शन 27 के अकॉर्डिंगली तो कहते हैं प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले आपने क्या करना है उसकी कॉपी सबमिट करवानी है आरओसी को फॉर रजिस्ट्रेशन राइट फिर कहते हैं इसकी टाइम लिमिट क्या होती है पब्लिकेशन से पहले पहले प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करने से पहले पहले आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी मस्ट है ठीक है फिर सिग्नेचर्स उसके ऊपर सिग्नेचर्स होने चाहिए हर एक उस पर्सन के जिसका प्रोस्पेक्टस में नेम लिखा गया है एज डायरेक्टर्स और अ प्रपोज्ड डायरेक्टर या उनके एजेंट्स मतलब ब्रिटन में वो ऑथोराइज है जिनका नेम लिखा गया उन सभी के सिग्नेचर होने चाहिए डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस जिस डेट को फर्स्ट पहली बार न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई है प्रॉस्पेक्ट्स को लेके वो डेट ऑफ इशू मानी जाती है ठीक है फिर आ गया कंटेंट्स कंटेंट्स क्या होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के साथ साथ आपने कॉपी लगानी है कि स्टेट state, स्टेटमेंट लगानी है कॉपी स्टेटमेंट लगानी है कि आपने इसको डिलीवर करा है आर को फॉर रजिस्ट्रेशन उसके साथ साथ आपने स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने आर को दिए हैं जो कि उस कॉपी के साथ अटैच्ड हैं या इंडोर्स करे गए हैं तो ये कंटेंट आपको डिस्क्लोज करना है उसके बाद इनक्लोजर्स आ जाते हैं इनक्लोजर्स में आपने क्या लगाना है आपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगानी है जिसके अंदर एक्सपर्ट अपना कंसेंट दे रहा है कि अब आप प्रोस्पेक्टर्स को इश्यू कर सकते हो ठीक है फिर है कॉपी ऑफ मटेरियल कंट्रैक्ट अपॉइंटिंग और फिक्सिंग रेमोनरेशन ऑफ एम डी और मैनेजर आपने बताना है कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंगली एम या मैनेजर की क्या रेमोड्रेशन होगी तो ये चीजें आपने इनक्लोज करनी है विद द प्रॉस्पेक्टर्स और उसके साथ साथ कंसेंट होना चाहिए एवरी पर्सन जिसका नेम लिखा गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर एज ऑडिटर एज लीगल एडवाइजर एज अटॉर्नी एज बैंकर और ब्रोकर ठीक है इसके अलावा फिर आ जाता है रजिस्ट्रेशन कहते प्रोस्पेक्टस जो है मस्ट बी इशूड विद इन नाइनटी डेज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन आज मेरा प्रोस्पेक्टस रजिस्टर हो गया आर ने रजिस्टर कर दिया तो अब इसको आपने 90 डेज के अंदर-अंदर इशू कर देना है ध्यान देने वाली बात है एक कि अगर 91 डे को आप इशू कर रहे हो 91 डे को ठीक है तो वो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा डीम्ड टू बी अ अ कॉपी ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब 90 डेज के अंदर-अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई अगर आप 91 डे को ठीक है इशू कर रहे हो प्रोस्पेक्टस तो यह माना जाएगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई क्लियर फिर आ जाता है पेनाल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट अगर आप प्रॉस्पेक्ट को रजिस्टर ही नहीं करवाते तो हर एक पर्सन और कंपनी शेल बी पानिशेबल विद द फाइन अप टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच में एक्सटेंड टू रुपीज थ्री लैख क्लियर अब इसके साथ साथ डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द प्रोस्पेक्टस तो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स कहता है एवरी प्रोस्पेक्टस टू डिस्क्लोज द मेटर्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू मतलब प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले पर्सन शेड्यूल टू को अच्छे से रीड कर ले और शेड्यूल टू के अंदर जो जो मैटर्स लिखे हैं वो सारे के सारे मैटर्स स्पेसिफाई करने जरूरी है एज पर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अब आपको ये चीज कई बार फाइव मार्क्स में आ जाती है कि कब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन कब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कह सकता है उठा के ले जाओ अपना प्रोस्पेक्टस मैंने नहीं रजिस्टर करना क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखो अगर आपके के ऊपर डेट नहीं है तो रजिस्ट्रार कहेगा मैंने नहीं करना रजिस्टर ठीक है फिर है कि अगर आपका प्रॉस्पेक्टस कंप्लाई नहीं करता विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट ठीक है तो फिर भी रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा और ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कहते अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट है और वो एक्सपर्ट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है कि कंपनी फॉर्म हो जाए कंपनी प्रमोट हो जाए कंपनी की मैनेजमेंट में तो मतलब उसका पर्सनल इंटरेस्ट पता चल रहा है तब भी जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर नहीं करेगा ठीक है या फिर अगर उसके अंदर रिटर्न में कंसेंट नहीं है किसका डायरेक्टर का ठीक है या फिर उसके अंदर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो कंप्लाई नहीं कर रहा प्रोविजन के साथ तो इस ग्राउंड के ऊपर भी रजिस्ट्रार जो है रिफ्यूज कर सकता है या फिर इज नॉट अ कंपेन्ड बाय द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द ऑडिटर लीगल एडवाइजर बैंकर और ब्रोकर आप समझ रहे हो इस चीज को कि हर एक बंदे का चाहे वो डायरेक्टर है चाहे वो ऑडिटर है चाहे लीगल एडवाइजर है चाहे बैंकर है चाहे ब्रोकर है जितने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़े हुए हैं में उनका नेम स्पेसिफाई करा गया है ठीक है तो उन सभी का रिटर्न में कंसेंट जरूरी है देखो लेकिन जिनका भी नेम प्रोस्पेक्टस में है सभी का रिटर्न कंसेंट जरूरी है तो ये थी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब आ जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर कि प्रॉस्पेक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए देखो बेटा बेसिकली प्रोस्पेक्टर्स क्या है एक विंडो है जिसके थ्रू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर देख सकता है कि कंपनी कितनी साउंड है और मुझे उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है करना है तो है है कि कि नहीं ठीक ना तो 26 क्या कहता हर एक शेल बी और और शेल चार तरह के मैटर्स होते हैं प्रोस्पेक्टर्स के अंदर पहला है मैटर्स इन प्रोस्पेक्ट मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है दूसरा है क्या क्या रिपोर्ट्स इंक्लूड करनी है तीसरा है क्या क्या इंक्लूड करने हैं और चौथा है है अदर मैटर्स ठीक ये डायग्राम आप याद कर लीजिए आप ऐसे ही डायग्राम्स एग्जाम्स में भी बना के आया करो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ठीक है अब हम बात करते हैं मैटर्स इन प्रोस्पेक्ट तो प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहले क्या क्या लिखना जरूरी है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी सेक्रेटरी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑडिटर लीगल एडवाइजर बैंकर या कोई भी और पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब दूसरा आपने लिखना है कि इशू की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट प्रॉपरली मेंशन करनी है ठीक है तीसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट उसमें होनी चाहिए अबाउट द सेपरेट बैंक अकाउंट जिसके अंदर इशू से रिलेटेड सारा पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसके अलावा डिटेल्स अबाउट अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर्स की अगर आपने शेयर्स को अंडर राइट करवाया है तो उसकी डिटेल्स आप दीजिए फिर है कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑडिटर लीगल एडवाइजर बैंकर सभी का कंसेंट जरूरी है इन रिटर्न फॉर्म ठीक है उसके अलावा रेजोल्यूशन जो पास किया गया है उसकी डिटेल और कौन सी अथॉरिटी है फॉर द इशू इसके बारे में सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है फिर अलॉटमेंट का इशू ऑफ सिक्योरिटीज का क्या प्रोसीजर है क्या टाइम फॉलो किया जाएगा ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफर आपने पब्लिक ऑफर क्यों करी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग रेमड्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ठीक है तो ये या फिर और कोई भी अदर डिस्क्लोजर जो कि रिक्वायर्ड है एज पर दिस एक्ट तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है इन द प्रोस्पेक्ट ये था ए पार्ट अब आ जाता है बी बी में हमने करा कहा कि कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं जो प्रोस्पेक्टिस में मेंशन करनी होती है पहली है रिपोर्ट्स बाय द ऑडिटर रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ठीक है फिर है जो रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस की अटैच की जाती है वो पिछले पांच फाइनेंशियल ईयर की अटैच की जाती है इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कंपनी स्टार्ट ही अभी अभी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं दे पाएगी तो वो नेक्स्ट ईयर अपना पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच कर देगी तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो पिछले पिछले years का वो सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस की स्टेटमेंट्स अटैच करती जाएगी ठीक है फिर उसके अलावा रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि बिजनेस और ट्रांजेक्शन को लेके जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं ऑफ द सिक्योरिटीज उसकी भी रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है ठीक है फिर थर्ड आ जाता है डिक्लेरेशन अब कहते हैं प्रॉस्पेक्ट रखा गया है और कुछ भी नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब ये डिक्लेयर करना है कि इन तीनों के तीनों एक्ट विच आर हाईलाइटेड इन द रेड इन तीनों एक्ट्स की प्रोविजन को ध्यान में रखा गया है और उन प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही प्रोस्पेक्टस बनाया गया है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं तोड़ा गया ठीक है फिर अदर्स मैटर इसके अलावा कुछ मैटर्स जो हैं कहते प्रॉस्पेक्ट शेल ऑल्सो स्टेट सच अदर मैटर्स एंड सेट आउट सच अदर रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब तो इसमें आपने सिंपली यही लिखना है कि इस एक्ट को अच्छे से पढ़ा जाए ठीक है और उसके प्रोविजन्स को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉस्पेक्टर्स बनाया जाए और जो ये एक्ट किसी भी और मैटर की डिमांड करता है तो वो मैटर भी स्पेसिफाई किया जाए तो इस वीडियो के अंदर अंदर हमने डिस्कस करा लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड कंटेंट ऑफ दी प्रोस्पेक्टर्स होपफुली आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे